नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन ट्यूब पर। सुभेश शर्मन जी हैं, दिल्ली से आए ज्योतिषाचार्य। उनके लिए बताया जाता है कि महासमुंदर है ज्योतिष के, वही जानेंगे कि आखिर क्या उनकी शख्सियत में खूबी है। दो पेन सुभेश जी लेकर पहुंचे, क्या क्या है इसका, ज्योतिष से रिलेटेड है कुछ? एक कोई ले जाए तो दूसरा अपने काम में आ जाता है। लेखनी पत्र और नारी दूसरे को जल्दी से देनी नहीं चाहिए, क्योंकि पेन अगर कोई लेगा तो वो कहीं ना कहीं उसको गड़बड़ करके ही वापस देगा। इसके पीछे तो ये लॉ देखिए जो आपने चंडीगढ़ आप पहुँचे हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं, ज्योतिष के सम्मान समारोह में आप पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोत्साहन की दृष्टि से कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन प्रोत्साहन में ज्ञान जरूर होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो प्रोत्साहन का कोई लाभ नहीं है। हम विषय के बारे में अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ आए हुए हैं और अभी उनके वक्तव्य होने भी हैं, वो क्या लोगों को देना चाहते हैं और क्या लोग चाहते हैं इस बारे में जब वो बताएंगे तो पता लगेगा कि वो क्या देना चाहते हैं। सुभेश जी, आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से वाकई में ज्योतिष का भला होता है या समाज का कुछ कल्याण होता है? देखिए, समाज कल्याण का जहाँ तक प्रश्न है, निश्चित रूप से ज्योतिष वैसे तो कल्याण का ही विषय है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं आपके जीवन में क्या होने वाला है, आप किस तरीके की संभावनाएं हैं, आप जीवन में किस तरीके के कार्य को कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। ज्योतिष में ग्रहों के माध्यम से ये संभावनाएं दिखाई देती हैं। इससे आपको शिक्षा में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, आप अब शरीर सौष्ठव नहीं है, बल ही नहीं है, आप शक्ति नहीं है अगर आपके पास, तो आप पहलवान बन कैसे बनेंगे, तो ये अनुमानित किया जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से कि आप क्या विषय लें। हर गली नुक्कड़ पे इतनी तो पान की दुकानें, मोबाइल की दुकानें नहीं है जितने ज्योतिषाचार्य बैठे हैं, कहाँ से कैसे ढूंढें, एक आम आदमी कैसे ढूंढे कि हाँ ये आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है? देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है, जब आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, तो जब आप खरीद लेते हैं तब आपको पता लगता है कि आपने क्या खरीदा है। लेकिन ज्योतिष के बारे में, जैसा कि ये तो ज्ञान का विषय है, इसको आप परखने के लिए एक बहुत सीधा सिद्धांत है, जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप उससे व्यवहार में चर्चा करके देखिए आपके भूत की बातें कैसी की उन्होंने, भविष्य की बातें क्या कर रहे हैं, या वो आपको विषय को किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे पता लग जाए, उसके ज्ञान को परख सकते हैं। अक्सर होता है कि हम सोचते हैं कि जब कोई ज्योतिषाचार्य मोटी फीस लेगा तो तब वो अच्छा हमें भविष्य बता पाएगा। ऐसा नहीं है कि मोटी फीस वाले ही कोई बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं, वो बहुत सफल व्यापारी भी हो सकते हैं, उनकी कुंडली में बड़ा अच्छा योग हो सकता है इस प्रकार का। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने अपने कार्य में निपुण होते हैं, तो ज्योतिषी अगर कोई विद्या के माध्यम से किसी, क्योंकि ये वेदानाम ज्योतिषम वेदानाम चक्षु का सिद्धांत है, वेद के नेत्रों का सिद्धांत है ज्योतिष में, तो नेत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप ठीक से देख नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो आपको देखना है चश्मा कितने नंबर का लगा हुआ है, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। जी जी, अक्सर कहा जाता है कि शर्मन जी के लिए कहा जाता है सीधे स्पष्ट से बातें करते हैं, कड़वी बातें करते हैं, ठोक ठोक पीट के बातें करते हैं। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से आज समाज का कल्याण कर सकते हैं, निश्चित रूप से सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ तरीके के लोग हैं। आज आपने देखा कि इतनी विभिन्न में बीमारी में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर 2-2 लाख रुपए में लोगों ने बेच दिए। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसने बहुत सरल माध्यम से, मैं आपको एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, इस समय में बहुत सारे लोग मेरे पास जैसे कुंडलियाँ भेजते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन जिन लोगों को एक्चुअल में मार्केश की महादशाएं थी, जिनको रोग की महादशाएं थी, उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशानी आई। ये भी एक विशेषता की बात है, उन लोगों को परेशानी नहीं आई जिनकी प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी थी, या जिनको मार्केश की स्थिति नहीं थी, या जिनके स्वास्थ्य खराब होने का योग नहीं था, ऐसे लोगों को परेशानी। 500 से ज़्यादा केस मेरे पास ऐसे आए इस समय में भी, जब मुझे ये देखने को मिला, सीखने को भी मिला कि बीमारी भी जब ही आएगी जब आपके पास खराब योग होगा, आप और फिर आप मास्क उतार के जाएंगे, सारा काम करेंगे, हम भी अभी मास्क उतारे हुए हैं, चल रहे जी। अब लास्ट में बिल्कुल आखिरी में मैं जानना चाहूँगा आपसे, आलोचनात्मक रवैया जो आपका रहता है, इसको लेकर क्या ज्योतिषियों के, ज्योतिषाचार्यों के निशाने पर रहते हैं? देखिए, मेरे बारे में एक बार सबको मालूम है बहुत अच्छे से कि मैं स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूँ। किसी भी चीज़ से लाभ तो हो सकता है, उसको लोभ में नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक हम लाभ तक सीमित हैं तब तक हमें कोई नुकसान नहीं है। आप अपने बच्चे को आप देखिए, हम जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, जैसे देश में रह रहे हैं, बहुत गौरवशाली इतिहास हमारे देश का, जहाँ हजारों हजारों लाखों वर्षों से शिक्षा निःशुल्क थी, चिकित्सा निःशुल्क थी, लेकिन कितना बड़ा व्यवसाय है। आप समझिए कि आप अपने बच्चे को जब
नर्सरी में एडमिशन कराने जाते हैं तो माँ बाप के ऊपर 5-10 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है, क्योंकि उसकी डोनेशन बिना उसका एडमिशन नहीं है। तो हम इस परंपरा को जब तक नहीं समझेंगे, इन चीज़ों को जब तक नहीं सुधारेंगे, सुधार तो सब जगह आवश्यक है। सड़क, आपने गाड़ी खरीद ली लेकिन आपको खड़ी करनी नहीं आती है सड़क पर, आपको ये डिसिप्लिन नहीं आया, ये तो हमें सीखना पड़ेगा। मेरा सवाल फिर से वही रहने वाला है, अपने इस रवैये की वजह से, अपनी सीधी स्पष्ट शब्दों की वजह से, शब्दावली की वजह से क्या ठनी रहती है ज्योतिषाचार्यों से आपकी? देखो, मेरी किसी से कोई ठनी रहती है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए वो जिम्मेदार है कि वो क्या सोचते हों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखिएगा, शर्मन जी हैं, बड़ी स्पष्ट साफगोई से बात करते हैं और इसी वजह से वो सबको शायद भाते नहीं है, क्योंकि वो स्पष्ट बात करते हैं। लेकिन अच्छा लगता है इस तरह के व्यक्तित्व से जब हम मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि क्योंकि वो लाग लपेट नहीं रखते हैं, वो स्वार्थ से बातें नहीं करते, वो सीधी स्पष्ट सी बातें करते हैं, भले ही मिर्ची लगे तो लगती रहे। ऐसी बातें कंचन टीवी करता है क्योंकि वो सीधी स्पष्ट बातें करता है। किसी को मिर्ची लग सकती है, किसी को अच्छा लग सकता है, बट हम लगे रहते हैं, हमारी टीम लगातार लगी रहती है। जैसे आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में है और यहाँ पर भी हम पूरा सुबह से लेकर शाम तक कवरेज कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस निवेदन है, घर बैठे आप भी हमारी मदद कर सकते हैं और ज्योतिष में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, इस यज्ञ में आप भी आहुति डाल सकते हैं। बस इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।